नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नई दिल्ली से पटना आप सबसे कम समय में और सबसे कम किराए में कैसे पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे नई दिल्ली से पटना आप मात्र 280 रुपये में कैसे पहुँच सकते हैं, और बात करेंगे दिल्ली से पटना तक सबसे तेज़ ट्रेन कौन सी है और सबसे सस्ती ट्रेन कौन सी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी ट्रेनों के डिटेल्स के बारे में। इस वीडियो में मैंने 3 मेन ट्रेनें सेलेक्ट की हैं जो कि सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है दिल्ली से पटना के लिए। उस वीडियो में हम बात करेंगे उस सभी ट्रेनों के ट्रैवल टाइम के बारे में, उसके कितने स्टेशन हैं और वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, और वो जो ट्रेन है नई दिल्ली के कौन से स्टेशन, जैसे कि पुरानी दिल्ली स्टेशन या आनंद विहार टर्मिनल या नई दिल्ली स्टेशन से कौन से प्लेटफॉर्म से कितने बजे चलती है, और पटना में कितने बजे पहुँचती है, और उस ट्रेन में जो मैं अभी आपको किराया बताऊँगा वो जनरल डिब्बों का जनरल ही होगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं नई दिल्ली से पटना आप कैसे मात्र 280 रुपये में पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ मैं बने रहे, आगे बात करेंगे उन सभी 3 ट्रेनों के बारे में जो कि सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है नई दिल्ली से पटना के बीच में। तो ध्यान से सुनिएगा सब ट्रेनों के बारे में। नई दिल्ली से पटना के बीच में अगर आप मात्र 280 रुपये में पहुँचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली ट्रेन जो होगी वो होगी बाबा बैद्यनाथ धाम दियोगर सुपरफास्ट ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 22,466। ये बुधवार को आनंद विहार टर्मिनल से दोपहर के 12:45 पर चलती है 2 नंबर प्लेटफॉर्म से, और पटना जंक्शन में रात के 12:55 पर पहुंच जाती है, यानी कि 12:10 में अपनी जर्नी जो है कवर कर लेती है। टोटल 7 स्टेशन से 986 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसमें अगर आपने 280 रुपये में जाना है तो आपको जनरल डिब्बों में जाना होगा, तो जनरल डिब्बे का किराया लगभग 280 रुपये है। इसमें 3 जनरल डिब्बे जो हैं दिए गए हैं जो कि ट्रेन के पीछे की तरफ यानी कि आखिरी साइड की तरफ लगाए गए हैं। तो आप 280 रुपये में इस ट्रेन में बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में नई दिल्ली से पटना तक सफ़र कर सकते हैं। नई दिल्ली से पटना के बीच में जो दूसरी सबसे बढ़िया ट्रेन चलती है इस रूट पर है वो है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12,394। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हर रोज़ शाम के 5:30 पर चलती है 16 नंबर प्लेटफॉर्म से, और 13:05 बाद पटना जंक्शन में सुबह 6:35 पर 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 6 स्टेशन से 1,000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 76 किलोमीटर पर आवर है। इसमें भी जनरल डिब्बे जो हैं दिए गए हैं, जनरल डिब्बों के इसमें तकरीबन 3 कोच हैं। अगर आपने जनरल डिब्बों में जाना है तो आप जनरल टिकट लेकर चढ़ सकते हैं, लगभग 280 रुपये के करीब किराया होगा। ये किराया आप किसी भी रेलवे टिकट काउंटर से कन्फर्म कर सकते हैं। तो मात्र 13:05 में दिल्ली से पटना आप पहुँच सकते हैं 280 रुपये में। इसके बाद जो तीसरी ट्रेन है इस रूट पर चलती है वो है पूर्वा एक्सप्रेस, जो कि वाया पटना होकर चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 12,304। नई दिल्ली से हर इतवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को शाम के 5:40 पर 15 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और 13:10 बाद अगले दिन सुबह 6:50 पर पटना में 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाती है। इसमें भी जनरल डिब्बे जो हैं दिए गए हैं जो कि इंजन की तरफ लगाए गए हैं। 2 जनरल डिब्बे हैं जिसमें जनरल टिकट का किराया जो है दिल्ली से पटना तक का वो 280 रुपये है। ये किराया रेलवे टिकट काउंटर से कंफर्म कर सकते हैं। तो आप मात्र 280 रुपये में इन 3 ट्रेनों में से सबसे फास्टेस्ट तरीके से और सबसे चीपेस्ट तरीके से नई दिल्ली से पटना के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोज़ बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।